भगवान स्वयं आए गवाही देने। उड़ीसा राज्य से दो ब्राह्मण, एक वृद्ध और एक युवा उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ जी दर्शन हेतु गए, जहां से वापसी के समय वृद्ध ब्राह्मण की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, जिसके बाद एक युवा ब्राह्मण ने बिना कोई स्वार्थ के वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करी और किसी तरह उन्हें वृंदावन तक ले आया। वहां पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद वृद्ध ब्राह्मण उस युवा ब्राह्मण की सेवा से बहुत खुश हुआ। वृंदावन में उन्होंने गोपाल जी के दर्शन किए। उस समय श्री गोपाल जी वृंदावन के प्रधान ठाकुर हुआ करते थे। गोपाल जी के सामने वृद्ध ब्राह्मण ने युवा ब्राह्मण से कहा, तुमने मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह करो। तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, जिसके लिए मैं गोपाल जी को साक्षी मानकर अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने का वचन देता हूँ। युवा ब्राह्मण ने कहा, मैंने आपकी सेवा आपसे कुछ पाने के लिए नहीं की थी। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अब तो मैंने गोपाल जी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ले ली है। दोनों व्यक्ति उड़ीसा वापस आए। वृद्ध ब्राह्मण ने पूरा वृतांत अपने परिवार को बताया, किंतु उसका पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया और कहने लगे कि हम किसी अच्छे श्रीमान ब्राह्मण के यहाँ अपनी बेटी का विवाह करेंगे, किसी गरीब ब्राह्मण के यहाँ नहीं। वृद्ध ब्राह्मण ने युवा ब्राह्मण को सब कुछ बताया और रिश्ते के लिए मना कर दिया। तब युवा ब्राह्मण बोला, मैं तो पहले से ही शादी नहीं करना चाहता था, किंतु अब आपने ठाकुर जी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली है और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके तीर्थ का फल तो नष्ट होगा ही, तथा प्रतिज्ञा लेकर तोड़ने वाले को नर्क भोगना पड़ता है। इसके पश्चात युवा ब्राह्मण ने पंचायत को बुलाया और पंचों ने युवा ब्राह्मण एवं वृद्ध ब्राह्मण व उसके परिवार की बात सुनी। परिवार वालों ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण उस समय बीमार था, जिस कारण उसने बिना होश में ऐसा वचन किया है। पंचों ने फैसला दिया कि वृद्ध ब्राह्मण ने बीमारी के कारण बिना होश में युवा को ऐसा वचन दिया है। फिर पंचों ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण के अनुसार इसने गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा ली थी और गोपाल जी एकमात्र स्वतंत्र गवाह हैं, तो यदि गोपाल जी यहाँ आकर गवाही दें कि वृद्ध ब्राह्मण ने पूरे होश में युवा ब्राह्मण से अपनी बेटी का विवाह करने हेतु वचन दिया है, तो यह विवाह हो सकता है, अन्यथा नहीं। जिसके लिए पंचों ने युवा ब्राह्मण को एक वर्ष का समय दिया। बस फिर वह युवा ब्राह्मण भी वृंदावन चला गया और वहां पहुंचकर गोपाल जी के मंदिर के आगे बैठकर उसको सारी बात सुनाई। 3-4 दिन बीत जाने के बाद ठाकुर जी ने उस युवा ब्राह्मण की स्थिति देख उससे कहा कि अरे भोले ब्राह्मण, क्या मूर्ति भी किसी पंचायत में गवाही देती है? तो युवा ब्राह्मण बोला कि यदि मूर्ति बोल सकती है तो चलकर गवाही भी दे सकती है। फिर ठाकुर जी ने उसके साथ चलने के लिए शर्त रख दी कि तुम मुझे रोज दूध दही मेवा मिठाई का भोग लगाओगे। ब्राह्मण ने बोला, मैं तो गरीब हूँ, ये सब कैसे भोग लगाऊंगा? ठाकुर जी ने बोला, तुम मेरे अंग का आभूषण लेना और इन्हें बेचकर मेरे भोग की व्यवस्था करना। फिर ठाकुर जी ने कहा, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, तुम्हें मेरे नुपुर की आवाज आती रहेगी, तुम बस पीछे मुड़कर मत देखना, वरना मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा। जब वे उड़ीसा पहुंचे तो समुद्र किनारे रेत पर चलने के कारण ठाकुर जी के नुपुर की आवाज बंद हो गई, या कहो शायद इसमें प्रभु की ही कोई इच्छा होगी। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण ने आग्रह किया कि थोड़ा सा मार्ग और शेष है प्रभु, जिस पर ठाकुर जी ने कहा, जब मैं इतना आ गया हूँ तो क्या अब तुम्हारी पंचायत इतना सा भी नहीं आ सकती है? फिर क्या, पंचायत को बुलाया गया, सभी गांव के लोग भी इकट्ठा हुए और ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए गवाही भी दी और यह सिद्ध हो गया कि युवा ब्राह्मण का कथन सही था, जिसके पश्चात प्रतिज्ञा के अनुसार युवा ब्राह्मण का विवाह उसी कन्या से हुआ और आज भी उस ब्राह्मण के वंशज गोपाल जी की सेवा में है। तब से वृंदावन की गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल जी हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी जी की जय।